कलेक्टर आशीष सिंह ने विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इंदौर जिले के सभी कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी विद्यार्थी के मूल दस्तावेज अपने कार्यालय में नहीं रखे। अगर किसी कॉलेज के पास विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज हैं तो वह उन्हें तुरंत विद्यार्थियों को वापस करे। विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज रखे हुए पाए जाने पर संबंधित शैक्षणिक संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ये खास रिपोर्ट। जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में विद्यार्थियों व उनके पालकों द्वारा शिकायत की जाती है कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके मूल दस्तावेज जिसमें अंक सूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि रख लिए जाते हैं, वापस मांगे जाने पर लौटाए नहीं जाते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पर संज्ञान लेते हुए विद्यार्थियों के हित में एक आदेश जारी किया है। सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं एवं निजी विश्वविद्यालयों को आदेशित किया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के मूल दस्तावेजों को जमा नहीं करे। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मध्य प्रदेश शासन के संस्थानों द्वारा जारी नियमों के विरुद्ध भी है। शिक्षण संस्थानों के पास यदि विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज जमा किए गए हैं तो इन्हें तत्काल संबंधित विद्यार्थियों को वापस किया जाए। देखिए, स्कूल कॉलेजेस से एक लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, जनसुनवाई में भी और अन्य माध्यमों से भी, कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के वो रख लिए जाते हैं स्कूल या कॉलेज के द्वारा प्रवेश के समय, जो पूरी तरीके से गलत है। जितने भी नियम और कानून हैं, चाहे वो राज्य शासन के हों, केंद्र शासन के हों, विभिन्न जो आयोग हैं उन सभी के, वो सभी ये कहते हैं कि कोई भी ओरिजिनल दस्तावेज जो है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए TC का प्रावधान होता है, इसीलिए जो स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि होती है उसका प्रावधान होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भविष्य में अगर इस प्रकार से कोई किसी संस्थान के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत सही पाई जाती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, आदेश निकाल कर आज उसको प्रतिबंधित किया जाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि भविष्य में कलेक्टर कार्यालय में किसी भी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा इस संबंध में शिकायत की जाती है तो संबंधित शिक्षण संस्थान के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित विभाग को भी ऐसी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।